लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा, हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। चीन तो मैं कुछ दे नहीं रहा, ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, क्योंकि पैसे की जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, जैसे उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है। वी आर द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड विद इन द नेक्स्ट 5 years विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमें क्या पता लगना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, तो बड़े मजे आ रहे थे उसमें, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आप देख रहे हैं भिखारिस्तान के सबसे छोटे न्यूज चैनल होल न्यूज का सबसे बकवास प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। जैसे मैं चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। ठीक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही चीज है और वो है कश्मीर का लॉलीपॉप। शहबाज शरीफ बोलता है हम घास की रोटी खाएंगे, हजार साल हम घास खाएंगे लेकिन कश्मीर को आजाद कराएंगे। अबे साले, तेरे बाप का मुल्क है। एक एक जुल्म का हिसाब इस तरह लिया जाएगा कि कश्मीर के अंदर हम तीन भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क। मरियम के पापा चोर है, मरियम के चाचा चोर है। फिजा खलीफा वो भी वहाँ जुल्म हो रहे हैं, इंडिया में यहाँ जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। इतना सरदर्द करके रख देती है इंडियंस के, पूछो मत। भारत में रहने वाले उसके अपने मुसलमान शहरियों की जो हालत है और जो हालात हैं, यकीन जानिए काबिले तरस है, तरस आता। और शास्त्रों में इसे ही जाहिलता कहा गया है। मगर क्यों? अपनी पढ़ी नहीं लेकिन इंडिया के बारे में दिन रात कोसते रहते हैं। मैं जानता हूँ। और एक इन यूट्यूबर्स को नया ही कीड़ा चढ़ा हुआ है, सारे पीओके में पहुँच कर पोस्ट डाल रहे हैं आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी तुम्हारे बाप का कश्मीर है नहीं। एक तरफ इनको इंडियंस की सिंपैथी चाहिए कि इंडिया बहुत अच्छा है, ये है वो है, कौन सा खेल खेल रहे हो इंडियंस के माइंड के साथ कंट्रोल। और ये इंडियंस, हाँ इंडियंस, तुमसे क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हैं यार तू? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। आज भी नहीं मजदूरी मिली जी? आज जब आप हमारे पास आए थे ना, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हमारी मजदूरी नहीं लगी। तौबा तौबा। आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं आपको मजदूरी नहीं मिली या वैसे खड़े हैं अपनी मर्जी से? मजदूरी नहीं मिली। लोगों को आप लोग क्यों नहीं मिली है मजदूरी? आज हमें 10 दिन हो गए मुतवातर खड़े हैं, कोई काम का बिल, आज 10 दिन हो गए, आज हमें 10वां दिन है, बिल्कुल ही एक दिहाड़ी नहीं लगा हमारा। चावल इधर आते हैं खाने के लिए, बस वही मिलते हैं, वो भी कोई दे जाता है। आप आए क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह नहीं हो गए? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई बिल्कुल मजदूरी नहीं है यहाँ पर, मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने से क्या वजह है, यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे? नहीं कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल ही नहीं रहा, नहीं कोई हमें यहाँ से आके लेके जा रहा है। बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा, 6 माह हो गए। एक तो पाकिस्तान की इतनी महंगाई और ऊपर से 6 महीने से काम नहीं मिल रहा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा क्या हालत होगी। पीओके वालों, काम नहीं मिल रहा है ना तो शहबाज शरीफ के सर को फोड़ दो, बस ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, उसका मुआवरा भी है। ना बजे बांसुरी। ये कहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? ना रे बांसुरी। दूसरी बात है, ये जो गवर्नमेंट का आटा आ रहा है ये यहाँ किसी दुकानों पे ले रहा है लेकिन ये हमें नहीं मिलता, ये मजदूरों का हक है, ये लोग भेजते हैं बारो बार सप्लाई करते हैं, उधर से धक्के हमें धक्के मारते हैं, धक्के मारते हैं और बाहर निकालते हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमें तो वहाँ पर ये बताया जाता है, मैं लाहौर से आया हूँ, आपको पता ही होगा, हमें लाहौर में ये बताया जाता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, कश्मीर जरूर बनेगा पाकिस्तान, के मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं भाई, यहाँ पर मजदूरी का नाम ही नहीं है। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। इधर जुल्म हो रहा है, कोई कश्मीरी के साथ तावन नहीं कर रहा है, जो आटा गरीब मजदूरों को आता है वो ब्लैक हो रहा है, ना पे सोको इधर ब्लैक हो रहा है। तो 1100 रुपए 1100 रुपए दुकानदार ले रहे, वो दुकानदार लेके ना 1700-1800 रुपए की गुत्थी बेच रहे, गरीबों को नहीं मिल रहा है ना, गरीबों से ना शनाती कार्ड लेते हैं, फोटो लगाते हैं
और काम ब्लैक आटा बेचते हैं। देखे मार के बाहर निकालते हैं, जाओ भाई नहीं आटा जाओ देख लो भाई। 57 ईयर का ये कश्मीरी है, आंखों में इसके आंसू हैं, और फिर हम बाद में ये कहें कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, हम अपने यहाँ तो देख लें, अपने बलोचिस्तान सिंध में तो देख लें, अपने कश्मीर में तो देख लें, ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। चोर डाकू चोर चोर तो याद ही है, जो चोर बंदा है ना वो पूरी दुनिया को चोर समझता है। यही हालत है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, वो खुद पीओके वालों पर जुल्म कर रहा है तो उसको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी इंडियन मुस्लिम्स पर जुल्म हो रहे हैं। ये बात है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो दूसरी साइड पे कश्मीर है, इंडिया साइड पे कश्मीर है, उधर मजदूरी मिल रही है, इससे बेहतर है या क्या सिचुएशन है? कोई तो बेहतर है कि वो उधर जुल्म ज्यादती तो लाजमी है, मगर मैं भाई तो कम है ना। आपको कैसे पता? ये हम टीवियों पे देख रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है वो तुम पर हो रहा है, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, बड़े आए इंडिया में ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। कबाई काम है इसलिए। क्या वहाँ पे मजदूरी मिल रही है जो ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? हाँ वहाँ पर मजदूरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई ने बिल्कुल ही यानी कि हम लोगों को पीस के रख दिया है। हम लोग इससे तंग आ गए, महंगाई से तंग आ गए, मजदूर लोग अपने आप से तंग आ गए बस। आपको क्या कहना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे क्यों मजदूरी मिल रही है? वहाँ पे तो हमें मीडिया पे दिखाया जाता है कि वहाँ जुल्म है, जहाँ जुल्म हो और साथ मजदूरी भी, रोटी भी मिल जाए, ऐसा कैसे है? उस तरफ से कोई मुझे इलम नहीं है कि मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही। टीवी पे जो खबर आती है या हम सुनते हैं कहते हैं काफी हद तक यहाँ से उधर बेहतर है, लोग उधर बेहतर है। इतना सुकून। तमाम पाकिस्तान की मीडिया से जो मेरे बड़े जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इधर आए, कश्मीर में आए, कश्मीरियों की आवाज़ आगे लेकर जाएं। कश्मीर है तो अगर हम ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 75 साल से हम नारा लगा रहे हैं, हम करते कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो क्या है शेर, वो है ना कि अपना के क्या उसके पहले मसला आपने समझा है शेर मेरा? अरे भड़ी के जाहिल, क्या वजह है कि आपको हमें जो है यहाँ पे कभी मजहब के नाम पे लड़ा दिया जाता है, कभी हमें ये बता दिया जाता है जुल्म हो रहा है, जुल्म ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कश्मीर के नाम पे 75 साल से हम लड़ रहे हैं लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोजी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, क्या वजह? यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो यानी कि बहुत ही किस्म की ज्यादती हो रही है। अच्छा बिल्कुल इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मूड खराब कर दिया। और ये बोले थे कि हम 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे लेकिन कश्मीर को आजाद कराएंगे। जो पीओके है उन लोगों के घास खाने के दिन आ गए। मेरे समझ में नहीं आता ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं, पता नहीं। जितनी आवाम इनके पास है उनको तो सुख सुविधाएं दे नहीं पा रहे, सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे और बात करते हैं बड़ी बड़ी लानत है सालों तुम पे लानत है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आप अपना ख्याल रखना, लव यू बाय किटकैट्स।